पे जो मोह माया नमक लगाए रे के देखे न भले न जाने न दाए रे इशारा मोहे सुध बुध ना रही तन मन की ये तो जाने दुनिया सारी। जुलाई 2022 लोअर सियाचिन स्टेट पहुंच गए हैं टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी में। इसके लिए पहुंचे हैं क्योंकि इंदौर, लखनऊ, मुंबई यहां पे अभी भी ऑडिशन नहीं हुआ है, तो माहौल कैसे बनते हैं एक बार आप लोग खुद देख लीजिए। आप लोगों को भी हम लोग दिखाने के लिए ये जगह आए हैं। এবার আমাকে ধর। आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर देख पा रहे हैं, हम लोगों के जितना जानकारी मिले हैं फर्स्ट राउंड कवर जो भी कर पा रहे हैं उसके बाद ही उनके वो नंबर के स्टिकर सामने आ रहे हैं, और नहीं तो जो जो कॉन्टेस्टेंट देख रहे हैं बाहर निकल के आ जा रहे हैं, कोई भी स्टिकर नहीं, नंबर नहीं मिले हैं, तो उनके थोड़ा इस बार नहीं हुआ। होपफुली इसके बाद और भी करके आएंगे, प्रैक्टिस करके आएंगे तो हो जाएंगे। तो जितना हो सके आप लोग का सामने आप दिखाओ कि इस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर सब सिटिंग अरेंजमेंट है, जहाँ पे सभी सेकंड राउंड के लिए बैठे हैं सब। इस बार का इंडियन आइडल काफी में सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं हमारे अरुणिता कांजलन, क्योंकि वो सीजन 12 के फर्स्ट रनर। फिर भी हम लोग यहाँ पे आए थे कोई नया चेहरा, नया कॉन्टेस्टेंट को देखने के लिए, किस तरीके से ये लोग भाग ले रहे हैं, किस तरीके से कंपटीशन और भी तगड़ा हो रहे हैं। पर आते आते देखे जो बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्टेंट को मिल गए जो हम लोग आगे से पहचानते हैं। हम लोग जब इंडियन आइडल थर्टीन में यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पहुँच ही गए हैं, तो यहाँ पे दुकान को देख रहे हैं आप लोग। टक्कर होने वाले हैं। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ तो प्रिपरेशन कैसा है? प्रिपरेशन कैसा है? अच्छा, हम लोग चाह रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो विनर होंगे आप लोग होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग थोड़ा प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे फर्स्ट राउंड ख़त्म करके उधर जा रहे हैं सेकेंड राउंड के लिए, और यहाँ पे चल रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप, जहाँ पे हम लोगों को खबर मिले हैं जे दो चीज़ यहाँ पे रहेंगे, कोई एक गाना के ये गाना के अलावा कुछ है जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी किसी का कुछ है, और नहीं तो और एक कॉलम में लिखा हुआ है जो वाई शुड आई चूज़ यू, मतलब आपको किस लिए चुना जाए। तो ये दो चीज़ आप लोगों को भी जो बाद में ऑडिशन देने के लिए आएंगे कोई दूसरे जगह, वो लोग भी ये तैयार करके आए थे वो इस आंसर को क्या लिखे। कैसा एक्सपीरियंस रहा ये इंडियन आइडल 13 का? आप तो फर्स्ट ऑडिशन दिए हाँ फर्स्ट राउंड के, तो आपके कैसा बोलिए आपका एक्सपीरियंस? एक्साइटमेंट था, नर्वसनेस भी था। ये फर्स्ट टाइम दिए? हाँ फर्स्ट टाइम। अच्छा, गया एक गाना गाया बंगाली पॉप के साथ, एक मैशअप किया हिंदी। अच्छा, तो सुन के उन्होंने बोला कि और एक गाना गई गाया ऐसे बोल के ठीक है चलिए। मैंने अभी तो ये मैशअप बहुत चल रहा है, मतलब हम लोग देखे आगे वो भी गाई थी, वो इस बार प्रांजल भी गा रहे हैं, है ना? अभी जो ट्रेंड चल रहा है बेसिकली आई एम द फोक सिंगर, तो ऐसे ही मतलब
मतलब तो कौन सा गाना गाए थे एक बार यहाँ पे होगा? अभी तो गाएंगे, मतलब सुबह से हम कुछ नहीं खाए, अब तो पूरा खाली पेट है। हां, दो लाइन। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहां नहीं जाना था ये वही चला है रे, उम्र का ये ताना बना समझ न पाए रे, जुबा पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भले न जाने न दाए रे, इशारा क्या मन बोका मोटा रे। इसके साथ हिंदी हुआ था? ये तो हिंदी है, मैं एक्चुअली लंबी जुदाई और एक कुछ दिन मॉर्निंग मॉर्निंग फोक सॉन्ग वो गाया था, लेकिन वो अभी नहीं गाएंगे बिकॉज सेकंड राउंड के लिए अभी इस बार शादी जाना है। तो सेकंड राउंड में आप सिलेक्ट हुआ? हां, सिलेक्ट हुआ। एकदम कांग्रेचुलेशन। आपके नाम भी एक बार बोल दीजिए। मेरा नाम ताज है, मेरा अच्छे नेम एक्चुअली नीलाब्जू घोष है, लेकिन सब लोग मुझे ताज बोलते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अभी के लिए जजेस कौन कौन थे? एक्चुअली मेरे को पता नहीं है लोग कौन। अच्छा, आप पहचान गए। दूसरे राउंड में कौन रहेगा और म्यूजिशियन भी रहेगा? हाँ, उन लोगों ने बोला कि अभी दस गाना प्रिपेयर थे उनके लिए, तो वही चल रहा है, प्रिपरेशन चल रही है। अच्छा, ये समझ पा रहे हैं ये जो इस बार इंडियन आइडल 13 के जो माहौल है, हाँ, किस तरह से बन रहे हैं, कौन सा ट्रेंड चलेंगे, कुछ पता लग रहा है? देखिए, जो नया वाला ट्रेंड है, जो मतलब जो लोगों को पसंद है, लाइक ऐसे फोक चल रहा है अभी, उसके साथ और बहुत सारे आर्टिस्ट आए, लाइक मतलब जो लोग दूसरे चैनल पे जा चुके हैं वो लोग भी आए, इवन की इंडियन आइडल में जो लोग पार्टिसिपेट रह चुके वो लोग भी आए, तो उन लोगों के साथ हम लोगों का भी चक्कर चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, तो पता नहीं कि क्या होगा। थैंक यू। कुछ हटके कॉन्टेस्टेंट को भी मिले आप लोग देखिए। फर्स्ट राउंड कवर किए? नहीं। अच्छा, अभी नहीं हुआ। अच्छा, क्या गाने वाले हैं? मैं सूफी गाता। तो थोड़ा बहुत एक लाइन होगा हम लोगों के चैनल के लिए, एक बार नाम बोल दीजिए और थोड़ा करिए। प्रीत की लत मुझे ऐसी याद हो गई, मैं बल बल जाऊं अपने पिया को, ये मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। वेरी गुड। एक बार नाम बोल दीजिए सर। मेरा नाम मिथिलेश यादव है। अच्छा, फर्स्ट टाइम क्या? हाँ, एक्चुअली मेरे फर्स्ट टाइम है, बट मैं प्रोग्राम वगैरह करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, और ऑल द बेस्ट। हाँ, बात करिए और जो जो आपका ड्रीम है वो सभी सक्सेस में बदल जाएगी। ठीक है, आशीर्वाद दीजिए आप लोग। ओके। लगभग दिन बीत गया, सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड शुरू हो जा रहे हैं, फोर्थ राउंड के बाद हम लोग को मिल जाएंगे कोलकाता ऑडिशन में, किस किस को चांस मिले बाद में, वही चेहरा सामने आ जाएंगे। तो हम लोग इसी उम्मीद में इस वीडियो ख़त्म कर रहे हैं कि इस बार भी 2022 में इंडियन आइडल 13 में हम लोगों के कोलकाता से एक दूसरा अरुणिता कंजीलाल को हम लोग देखेंगे, और नहीं तो एक और पवनदीप को हम लोग देख पाएंगे। इसी उम्मीद से हम लोग ये वीडियो ख़त्म कर रहे हैं।